वेलकम टू सिंपल्स कुकिंग पॉइंट। आज मैं बना रही हूँ पनीर मखनी। 200 ग्राम पनीर, दो टमाटर कटे हुए, एक बड़ा प्याज कटा हुआ, 12 काजू, दो लाल मिर्च, एक छोटा चम्मच जीरा, एक छोटा चम्मच नमक, थोड़ा सा बटर, कंडेंस मिल्क लिया है मैंने 2 चम्मच, एक चम्मच क्रीम ली है, एक छोटा चम्मच गरम मसाला, एक छोटा चम्मच किचन किंग, एक छोटा चम्मच धनिया, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। गैस ऑन करेंगे, एक पैन लेंगे, पैन में डालेंगे हम 1 चम्मच तेल, 2 चम्मच सबको मिला के भून लेंगे। उसके बाद ढक करके इसको जब तक टमाटर प्याज गल ना जाए तब तक पकाएंगे। फिर थोड़ा सा नमक डाल दें ताकि ये जल्दी पक जाए, टमाटर प्याज हमारे जल्दी से गल जाए। टमाटर प्याज गल गए हैं, इसको ग्राइंडर में डाल के हम पेस्ट बना लेंगे, लेकिन थोड़ा ठंडा करके, गरम गरम नहीं बनाएंगे। ठंडा हो गया है, अब इसका हम एक पेस्ट बना लेते हैं। पेस्ट बन गया है, इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। पैन गरम करेंगे, इसमें डालेंगे बटर, गैस की फ्लेम मीडियम कर लेंगे। इसमें डालेंगे जीरा, और ये सारे मसाले डालेंगे इसमें। मसाले बस हमें 2 सेकंड भूलना, ज़्यादा नहीं, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। तो डालेंगे ये पेस्ट जो प्याज और आलू टमाटर का बनाया था,
मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे लगभग 2-3 मिनट तक। मसाले को लगातार चलाते रहेंगे ताकि ये जले ना, चला चला कर 2-3 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। मसाला भुन गया है, उसमें डालेंगे पानी। एक कप पानी मैंने लिया है। अब इसमें डाल लेंगे हम कंडेंस मिल्क, आप इसकी जगह मावा ले सकते हैं घर का बना हुआ, उसमें थोड़ा चीनी मिला के डाल। इसमें डालेंगे हम क्रीम, इसमें डालेंगे पनीर, नमक, नमक अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा। अब इसको ढक के 2 मिनट तक पकाएंगे। गैस हमें मीडियम ही रखनी है। 2 मिनट हो गए हैं, देख लेते हैं। ये हमारी पनीर मखनी तैयार हो गई है, अब इसे सर्विंग बाउल में हम निकाल लेते हैं। इसमें डालेंगे थोड़ा सा बटर, ये धनिया की पत्ती। बटर आप चाहे तो डालें ना डालें, पनीर मखनी है तो इसलिए इसमें तो बटर चाहिए ही चाहिए। ये बन गया हमारा पनीर मखनी, आप भी इसे ट्राई